हेलो डियर स्टूडेंट, का स्वागत है। अंग्रेजी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने जा रहे हैं। कुछ बोर्ड से प्रश्न पेपर भी लिखे हुए हैं, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया, एक सेट में है दोस्तों। इस यदि सारे क्वेश्चन आंसर को आप करते हैं तो 100% 70 नंबर का प्रश्न बिल्कुल फंसना है दोस्तों। हर साल मैं वीडियो जो भी डालता हूँ ओपन परीक्षा के लिए, वो क्वेश्चन आते हैं। पुराने स्टूडेंट जो पहले जुड़े हैं उनको पता है दोस्तों, नए स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आपको परीक्षा तक हेल्प मिलने वाला है। परीक्षा के समय आपको कैसे हल करना है, यदि क्वेश्चन आंसर याद नहीं आ रहा है तो आप दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लिखना है, खाली पेजेस नहीं छोड़ना है, पूरे लिखने का प्रयास करना है। अगर नहीं याद आ रहा है तो कुछ लिख कर जरूर आना है ना, क्योंकि उससे आप पास हो सकते हैं। ये ओपन का रूल है भाई, कुछ लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे, है ना। There is not shortcut to the top means, इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में पूछा है ना। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं होता ऊंचाई पर पहुँचने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमको हार्ड वर्क करना होगा। ये सेकेंड भी आएगा, पहले से टिक लगा हुआ है, नोट कर लीजिए। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइंड एनर्जी, कितने स्थान पर है वाइंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा का उत्पादन कितना करता है, किस स्थान पर है इंडिया, पाँचवें यानी कि फिफ्थ आएगा, फिफ्थ लार्जेस्ट। What was the doctor's impression about Evans? तो D आएगा, that he was mysterious character. चौथा है, What was Wade's father's reaction to the situation? He was optimistic. What does Girard do for living? Write and direct plays for the theater. Spirit of adventure was replaced by maturity. Bholi's mother always compared Bholi to be a dumb cow. बलदेव वाज ए वर्ल्ड वॉरिड अबाउट हिज सन सेफ्टी। आराधना इज ए गुड डांसर। इन द लेसन फादर डियर फादर राइटर्स ग्रैंडमदर वाज सेमी लिटरेट। चूज द करेक्ट आंसर अमंग द चॉइस गिवन बिलो। एन आर हार्मफुल डार्कनेस मीन्स ओल्ड मेमोरीज ऑफ द ग्रैंडमदर्स हाउस। द फ्रेश क्लिक्ड देयर टॉन्ग्स एक्सप्रेस द प्रेजेंट फेयरवेल टू फाइंड द इसका ऑप्शन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, खाली स्थान भरना है। द टीम वाज पुट अप आएगा दोस्तों, आंसर लिखा हुआ है। यू शुड आएगा यहाँ पर, आई लाइक यंग पीपल हु आएगा, और यहाँ पर इज आएगा, इज योर मदर कुकिंग, और पांचवा में आएगा वेन, छठवा में आएगा यूज्ड टू, सातवा में आएगा स्टडिंग, और सातवां में आठवां में आएगा एन, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर फ्लो आएगा पहला वाला में, सेकेंड वाला में आई एम टीचिंग और इस टीचिंग है तो आएगा दोनों खाली स्थान में वाला। प्लीज टर्न टू द टैप ऑफ वाटर इज फ्लोइंग आएगा। इसके बाद डू ए डायरेक्टेड है, सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यहाँ पर डज बस लिख देना है दोस्तों आपको, ठीक है। डज लिखेंगे और सेम टू सेम उतारना है शुरू में। ही केम टू स्कूल ऑन फुट, निगेटिव बनाना है, डिडंट आ जाएगा, ही डज नॉट आएगा दोस्तों इसमें, डज नॉट नीचे में आंसर दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये तीनों का आंसर यहाँ पर दिया है, आप लोग नोट कर लेना। My father gave me a pen. I was given a pen by my father. आएगा दोस्तों पहले का आंसर यह है। He said to me that he know me and my father. ये वाला आएगा। Write slowly and nearly it is illegible. Non finite बनाना है, बन जाएगा to करके बना लेना है। फिर से do a directed, सारे का आंसर दिया हुआ है, नोट कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक है इसका। We go to school study, जीरन का उपयोग करना है। We go to school for studying, we go to school for studying, यहाँ पर for का उपयोग कर देंगे। I have went to zoo. Happiness after his inner, ये कहानी एक तो दिया हुआ है इंग्लिश में, उसको पढ़कर अपठित गद्यांश बोलते हैं इसको, पढ़कर आंसर लिखना है दोस्तों। सबका आंसर मैं दिखा देता हूँ, देखिए। Happiness after his inner state of mind, it is
little dependent on outside environment. Happiness has little to do, for instance, with where you are rich or not rich. Some of the most miserable person we have came across in our lives are rich people. It is true that poverty makes miserable in very acute. तो पहले का आंसर दिया है, पहले ही लाइन में देखो, व्हाट इज हैप्पीनेस, तो यहाँ पर शुरू में ही लिखा है हैप्पीनेस क्या होता है, ये शुरू में लिखा है ये, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज पॉवर्टी अफेक्ट ए मैन, यहाँ पर आंसर लिखा है, देखिए, पॉवर्टी मेक्स, ये लिखा है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको कर लेना है, ठीक है। हाउ वाट रिमूव इनर कॉन्फ्लेक्स, अब इनर कॉम्प्लेक्स वाला शब्द आपको ढूंढना है, जहाँ पर लिखा है वही उसका आंसर है। कहने का मतलब आपको ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, कुछ रिलेटेड शब्द जहाँ पर मिलेगा उसके एक लाइन से फुल स्टॉप तक को आपको आंसर बना लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको बना लेना है ना, और आंसर भी दिया हुआ है, मैंने इसमें आंसर दे रखा है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, फिर से पैसेज दिया है और क्वेश्चन के आंसर को नोट करना है, तो जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही आप लोग कर लेना, क्योंकि दोस्तों अगर पूरा बताऊंगा तो एक से दो घंटा तीन घंटा भी लग सकता है पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि आप लोग भी बैठते हैं दोस्तों जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए तीन घंटा तक बैठते हैं, है ना, तो वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ। इसका आंसर भी दिया है, आप लोग नोट कर लेना। राइट प्रेसिस, प्रेसिस क्या होता है उसको समझ लीजिए, प्रेसिस का अर्थ होता है, ये लिखा है प्रेसिस, इस पाठ को पढ़ना है और इसका सारांश कम से कम शब्दों में लिखना है, मतलब इस पाठ में क्या बताया गया है उसको लिखना है इंग्लिश में। तो फ्लैग, फ्लैग यानी हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में बताया, वंदे मातरम, जन गण मन, किस प्रकार से गाया जाता है, कैसे सैल्यूट करते हैं, इसमें इसको बताया गया है दोस्तों, देखिए इसी का आंसर इसमें मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये है इसके सारांश का आंसर, ये देखिए तीन से चार लाइन के बीच में है ये आंसर, इसको नोट कर लेंगे। और इस पाठ का नाम क्या रखना है, टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है, ये है टाइटल, टाइटल का मतलब होता है पाठ का नाम, पाठ का नाम क्या है, नेशनल फ्लैग। राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट टू पब्लिश्ड इन लोकल डेली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर जो है रिपोर्ट, रिपोर्ट यानी तैयार करना होता है, प्रतिवेदन तैयार करना, ठीक है, जिस घटना में आपने उस कार्यक्रम को किया है उस घटना के बारे में आपको बताना है, इसी को अपन रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक। तो इसमें लिखा है भिलाई 10 जुलाई 2018 को स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महात्मा गांधी जी को सल्यूट किया गया, उसका सम्मान किया गया, ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए पूरा उसी पर आंसर लिखा है, ये यहाँ से यहाँ तक यही रिपोर्ट है, ठीक है, इसी को रट सकते हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए। और दूसरा रिपोर्ट है एनिमल के ऊपर जो है दयालुता, दया दिखाना चाहिए, जैसे धूप के समय उनके लिए पानी रखना चाहिए, है ना, जीव जंतुओं के बारे में लिखा गया है, चिड़ियों के लिए पानी रखना चाहिए, है ना, उनको रोटी खिलाना चाहिए, ऐसा करके इसमें लिखना है, इंग्लिश में लिखना है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये एडवर्टाइजमेंट है तो बारी में आता ही है ना, एडवर्टाइजमेंट को नोट कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग कन्वर्सेशन ऑन द फोन इन टेबल बिलो, इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्टली, इन शब्दों में कुछ गलती है उसको ढूंढना है और लिखना है। तो यहाँ पर इसमें एट का थर्ड फॉर्म रिटर्न करना था दोस्तों, ये वाला तो रिटर्न कर लेना है। ही वॉज एंग्री ऑन मी, ही वॉज एंग्री विथ मी आएगा, और यहाँ पर ऑन जो है गलत लिखा हुआ है, उसके जगह पर विथ लिखना है। सी रिटर्न आफ्टर द वर्क डन बाई मी, द वर्क वॉज डन बाई मी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है एरर, एरर यानी कि गलती जो हुआ है उसको आपको ढूंढ कर लिखना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, सुनील गावस्कर वॉज बॉर्न ऑन, इसी में पूरा एक 10 मिनट लग चुका है दोस्तों, इसको शायद दो पार्ट में मेरे को बनाना पड़ जाएगा लगता है।
राहुल लास्ट मार्क्स ही, क्योंकि बहुत जरूरी इंग्लिश का पेपर बहुत जरूरी होता है दोस्तों, है ना। इसको दो पार्ट में बनाएंगे अपन, क्योंकि इसकी लंबाई तो बढ़ चुकी है, एक्सप्लेन करने में समय लग गया है, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। हाउ डिड गावस्कर ब्रेक हिज मदर नॉइस, ये दोनों क्वेश्चन को कर लेना है, भले मैंने टिक नहीं किया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन जो पहले से ब्लू कलर में टिक है और रेड कलर में, उसको करना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर को नोट कर लीजिए, ये ब्लू कलर में टिक है, देख लीजिए, ये दोनों को आपको करना है। अब अदर बच गया आपका लेटर एप्लीकेशन लिखना और एसे लिखना और बहुत सारे डू ए डायरेक्टेड और क्वेश्चन आंसर बचे हैं दोस्तों, उसको नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे।